किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलना है कोई महत्वपूर्ण वार्ता करनी है कोई महत्वपूर्ण शुरुआत करनी है कृपया संध्या काल ना चुने एवरेज साढ़े चार पांच से लेकर छह साढ़े छह बजे तक का टाइम क्यों उसका ज्योतिष कारण उपलब्ध है सूर्योदय के तुरंत बाद सूर्य लग्न में रहते हैं जनपत्रिका के लग्न में होते हैं और सूर्यो सूर्यास्त होने से तुरंत पहले एक डेढ़ घंटे पहले तक सूर्य सप्तम भाव में रहते हैं और हम सब ये जानते हैं कि जब सूर्य सप्तम भाव में होते हैं वह समय असहमति का होता है उस समय की कोई बात नहीं बनेगी किसी की कुंडली में सातवें भाव में सूर्य है समझ लो कि आपस में नहीं पटेगी किसी बिजनेस घराने में के मुहूर्त में सातवें भाव में सूर्य हैं मान के चलने को उनके पार्टनर के आपस में नहीं पटेगी आप टेम्परेरीली किसी वार्ता के लिए भी जा रहे हैं कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जान रहे हैं कोई बिजनेस टॉक्स के लिए जा रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो कृपया उस समय को टालिए चार साढ़े चार से लेकर छः साढ़े छः तक यानी कि ज्योतिष की भाषा में जब तक सूर्य सप्तम भाव में हैं तब तक किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत से बचिए अन्यथा असहमति पार्टनरशिप में टूटन मनमुटाव झगड़े मुकदमेबाजी ये सब आपके जीवन में आएंगे तो कब करें अच्छा हो अगर आपको विजय चाहिए अगर आपको चाहिए कि आपकी बात रखी जाए अगर आप चाहते हैं कि आपका अपर हैंड रहे और शाम को ही ये सब करना है तो जैसे ही सूर्यास्त हो टेक्निकली इंटरनेट से मालूम कर लीजिए या अखबार से जैसे ही सूर्यास्त हो उसके अगले मिनट आप अपने काम के लिए घर से प्रस्थान कर सकते हैं अगर कोई मजबूरी हो और आप ऐसा ना करें और बाध्यता आए तो पुराने लोगों में कहावत है प्रस्थाना कर दो यानी अपना बैग निकाल के बाहर रख दो घर से बाहर उसको प्रस्थाना कहते थे पीछे पीछे आप जाओ ये कितना तार्किक दृष्टि से सही है मुझे नहीं पता पर परंपरा में ये होता आया है पर मेरी सलाह यह है कि, कि किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए संध्या काल को छोड़कर ही आप घर से निकलें जैसे ही सूर्य अस्त हो आप जाएं और अगले एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर अपनी बात को पूरा कर लें उसमें सफलता की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि छठे सूर्य सदा ही विजय दिलाते हैं करके देखिए है और हमसे अपने अनुभव शेयर कीजिए